प्रतीक नागपाल बैक फ्रॉम जयपुर जीप लवर्स। सो आज हम आपके लिए लाए हैं मासराती ग्रैंड कैब्रियो। इसका अभी मैंने एक वीडियो डाला था और आप लोगों ने मतलब 24 घंटे भी नहीं हुए उसको 1K क्रॉस करवा दिया। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मतलब मुझे भी ऐसे बहुत मज़ा आता है जब आप लोग इतना प्यार देते हो। गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, छोटे मोटे डिटेलिंग के काम चल रहे हैं। मैं एक छोटा सा लुक दे देता हूँ। उधर ऑडी खड़ी है और थार खड़ी है। थार भी दिखा देता हूँ, उस पर भी काम हो चुका है। और सफारी भी दिखाऊंगा इस वीडियो में। तीन गाड़ियाँ जो कंटिन्यू अपनी लाइन से आने वाली हैं वो तीनों इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फुल वीडियो अभी किसी भी गाड़ी का नहीं होने वाला तीनों में से, बट तीनों का एक छोटा छोटा वीडियो करके एक अच्छा सा वीडियो बन जाएगा। वीडियो मैंने अभी दिखाया मासराती का इंटीरियर अभी इसलिए नहीं दिखाया जस्ट बिकॉज पुराना काम पुराने वीडियोज़ में मैं दिखा चुका हूँ इंटीरियर, और थोड़ा बहुत डिटेलिंग और रह गया क्योंकि मतलब वी आर क्लोज नेक्स्ट टू क्लोज टू लाइक प्योर रेप्लिका लगे हो। सेकंड गाड़ी है अपनी थार। आ जाओ थार दिखाते हैं आप लोगों को। इसका इंटीरियर आज आप लोगों को दिखाएंगे। मासराती का दिखाया हुआ है इसमें, अगर किसी ने नहीं देखा हो मेरे पुराने वीडियोज़ में जाके देख सकता है। कैमरा को इधर क्लोज लगे ऐसी पूरी अंदर से वॉल्स दिखा दो। सो पूरा रूफ पोशिंग का काम और ये रिमूवेबल मैट्स हैं ये जो भी हैं, इसके नीचे अलग से मैटिंग लगाई हुई है वेलवेट फील में पूरा। सो इन मैट्स को आप रिमूव कर सकते हो। आगे की सीट्स लग चुकी है, पीछे फॉर्च्यूनर वाली सीट लगेगी इसके अंदर, उसका भी कवर बन चुका है। काम इसका बॉडी पेंट रहता है, हार्ड टॉप हो चुका है इसका। वेट प्लाइज भी बनाई है जो थार पुरानी वाली के अंदर आती नहीं थी। और मैटिंग आगे की तैयार होना बाकी है। सीट्स पे दिखाता हूँ एक बार, सीट्स इसकी आगे की बन चुकी है पूरी। डैशबोर्ड पे काम होना बाकी है। सो चलते हैं हम अपनी अगली गाड़ी के लिए। सो ये आ चुके हैं अपन गैरेज एरिया में। गैरेज मतलब इतना खाली खाली सा लग रहा है। ये खड़ी सफारी स्टॉर्म, इसका भी मॉड ऑलमोस्ट हो चुका है। गैरेज मतलब यार खाली खाली सा। अगली फरारी भी आने वाली है, बहुत टाइम से देख रहे हो आप उसको। अब मासराती के बाद नंबर इसी का ही है स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में। और थोड़ा सा अगर सफारी के लुक्स वगैरह दिखाऊं तो ये नीचे कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। पूरा ऑफ रोडिंग बम्पर, ऑफ रोडिंग टायर्स, फॉर्चुनर वाला ग्लास, रेयर व्यू मतलब मैं भी दिख रहा हूँ इसमें। और क्वालिटी बता देना है कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें हॉटस्कोप अपन ने लगाया है। गाड़ी बहुत ही गंदी सी हो रही है कि मतलब चमकती हुई होती। और सबसे मेन चीज़ जो इस गाड़ी की है वो गाड़ी का रैप होने वाला है। ये पूरी गाड़ी रैप होगी। और इंटीरियर्स भी इसके दिखाता हूँ। इसमें हाइड्रोडिपिंग का काम रह गया जो लाइक ये वाले पार्ट्स हैं, स्पीकर की ट्रे हो गई, पावर विंडोज़ के जो बटन्स हैं प्लस हैंडल है, ये सारे वुडन हाइड्रोटेप होंगे। बाकी अंदर की फिटिंग्स चल रही हैं, ये पार्ट्स पड़े पेंट किए हुए। ये रहे सीट विद आवर पैचिंग। पीछे का कवर मुझे पसंद नहीं आया था तो मैं उतरवा के दोबारा बनवा रहा हूँ उसको। बाकी तो पूरी गाड़ी में फिटिंग्स रह गई। इंटीरियर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सबसे मस्त चीज़ ये है कि इसमें सिस्टम आता नहीं था टच स्क्रीन, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी उसको टच स्क्रीन चाहिए, तो ये टच स्क्रीन सिस्टम का जुगाड़ हमने खुद ने किया है। ये अभी फिट नहीं हुआ, ये पूरा यहाँ इसके अंदर फिट आ जाएगा। बाकी पूरा लेदर अपॉल्स्ट्री और पेंट जॉब का वर्क है ये। पीछे का बम्पर लगना भी बाकी है। लाइट्स पीछे काट के लगाई हैं, ये एंडेवर की लाइट्स है। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।